joyful. Me, I'm QuizCat94. तो इंटरनेट पर अपनी पॉपुलैरिटी को वापस पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए क्या कोई अपनी लाइफ को भी खत्म डाल सकता है? ये हमें आज की इस कॉमेडी हॉरर कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है बैडी से, और बैडी एक यूट्यूबर था जो कि फैंस की डिमांड पर चैलेंजेस पूरा करता था। बैडी था तो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन उसकी एक गलत वीडियो की वजह से फैंस उससे नाराज हो जाते हैं और बैडी की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। अपनी पॉपुलैरिटी को वापस पाने के लिए बैडी फैंस से माफ़ी मांगता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन फैंस उससे खुश नहीं होते हैं और उसका यूट्यूब चैनल बंद होने के खतरे में आ जाता है। अब एक दिन बैडी एक ड्रिंक की स्पॉन्सरशिप करता है, जिस वजह से वो एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज ये था कि उसको एक डेथ माइनर नाम के हॉन्टेड हाउस में एक रात अकेले रहना थी। और सन 1800 में एक आदमी ने अपनी बेटी पोएट गर्ल के लिए वो घर बनवाया था, पर पोएट गर्ल ने वापस सुसाइड कर लिया था और उस घर में पहले जो भी लोग गए थे उन सभी की मौत हो गई थी। और अगर बैडी उस चैलेंज को हार गया तो बैडी स्पॉन्सरशिप के सारे पैसे लौटा देगा। उस हॉन्टेड हाउस में जाने से पहले बैडी घोस्ट से बचने के लिए कुछ चीजें साथ में ले जाता है। अब रात को कुछ ही टाइम में बैडी उस हॉन्टेड हाउस को ढूंढ लेता है, साथ ही वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। डर के मारे वो कहीं भी भाग न जाए, और इसीलिए वो अपनी कार के इंजन का नट फेंक देता है। बैडी घर के बाहर कुछ कैमरा लगा देता है। अब घर के अंदर जाकर डोर को बंद करके वो उसकी चाबी फ्लोर के नीचे फेंक देता है। वो चैलेंज पूरा करने के लिए बैडी ये सब कर रहा था, लेकिन फिर भी फैंस बैडी का मजाक बना रहे थे। अब एक रूम में जाकर बैडी सारे रूम को दिखा रहा था कि साथी कौन से रूम में क्या क्या हॉन्टेड एक्टिविटी हुई है, वो सारी स्टोरीज भी बता रहा था। और फिर एक रूम में कैमरा लगाकर बैडी सीढ़ियों से ऊपर के उस रूम में जाता है जहाँ पर पोएट गर्ल ने सुसाइड किया था, और वहाँ भी वो एक कैमरा लगा देता है। बैडी फिर एक दूसरे रूम में जाता है और उस रूम को वो सेफ रूम कहता है, क्योंकि उस रूम में आज तक कुछ भी हॉन्टेड एक्टिविटी नहीं हुई थी। उस रूम में एक अलमारी थी, और व्यूअर के कहने पर बैडी उस अलमारी को खोलकर देखता है जहाँ पर एक सिंबल था। बैडी उस रूम में अपना लैपटॉप खोलता है ताकि वहाँ पर लगा गया कैमरा के व्यूज को वो देख पाए। बैडी फिर पोएट गर्ल की कहानी बताने लगता है। पोएट गर्ल जो नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, दोनों एक साथ बोस्टन सिटी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जॉन की मौत हो गई। जॉन के मरने के बाद पोएट गर्ल खुद भी मर गई, और लोगों के मुताबिक पोएट गर्ल यहाँ पर लोगों को मारकर उनकी सोल को कलेक्ट करती है ताकि पोएट गर्ल को जो फैमिली नहीं मिली है वो उस फैमिली को बना पाए। मतलब कि इस घर में मरे हुए सभी लोगों की आत्मा यहीं पर फंसी हुई है। बैडी के व्यूअर बोर हो रहे थे, तो इसलिए बैडी पोएट गर्ल के रूम में जाकर उसकी आत्मा को बुलाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वापस उसे सेफ रूम में जाता है। रूम में आकर बैडी लैपटॉप में देखता है कि कॉरिडोर में एक आत्मा घूम रही है, और व्यूअर बैडी को कॉरिडोर में चेक करने का बोल रहे थे। पर बाहर जाते ही उसे फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सेफ रूम में आकर डोर बंद कर लेता है, और डर के मारे उसे सिंबल टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिंजी था, और वो खुद को बैडी की फैन बताती है। और पता नहीं कैसे लिंजी ने बैडी की लोकेशन ढूंढ ली थी, और वो बैडी के साथ यहाँ पर चैलेंज को पूरा करना चाहती थी। बैडी लिंजी को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था, लेकिन ऑडियंस के कहने पर लिंजी को वो अपने साथ में रख लेता है। बैडी लिंजी की बॉडी पर कैमरा फिट कर देता है ताकि लिंजी की तरफ से भी सब कुछ रिकॉर्ड हो पाए। फिर दोनों कॉरिडोर की तरफ एक मास्टर बेडरूम में जाते हैं। वहाँ की अलमारी में लिंजी और बैडी को छिपी हुई चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया बेसमेंट की तरफ जा रही थी, और उसी रूम में बैडी को पोएट गर्ल की लिखी हुई डायरी मिलती है। अब व्यूअर्स के कहने पर बैडी और लिंजी ओइजा बोर्ड खेलकर पोएट गर्ल को बुलाने लगते हैं, और अचानक उन दोनों को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बैडी डर रहा था, तो इसीलिए लिंजी बहुत टाइम तक आ नहीं रही थी, और उसके कैमरा व्यू में भी बैडी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब लिंजी को ढूंढने के लिए बैडी को सेफ रूम से बाहर आना पड़ता है। फिर अचानक लिंजी बैडी के सामने आकर उसको डरा देती है। लिंजी के इस मजाक की वजह से बैडी लिंजी को बहुत ही बुरा भला कहता है। तभी लिंजी बैडी के गले पर बाइट करती है, और अपनी जान बचाने के लिए लिंजी के गले पर बैडी एक लकड़ी के टुकड़े से हमला कर देता है, जिससे कि लिंजी वहीं पर गिर जाती है। अब सेफ रूम में वापस आने के बाद बैडी व्यूअर से पुलिस को कॉल करने के लिए कह रहा था, और उसे लग रहा था कि उसने लिंजी को मार दिया है। फिर कुछ टाइम के बाद में कॉरिडोर में बैडी जाकर ये देखता है कि लिंजी वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर बस खून पड़ा हुआ है।
और पास के रूम में उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था, तो इसीलिए बियर्डी सेफ रूम वापस आ जाता है। रूम में आने के बाद में बियर्डी लैपटॉप में देखता है कि कॉरिडोर के पास ही पॉइंट गर्ल की डेड बॉडी लटकी हुई थी, और अभी के लिए बियर्डी वहां से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पॉइंट गर्ल की डेड बॉडी रास्ते में ही लटकी हुई थी। बियर्डी को लग रहा था कि वो इसी हॉन्टेड हाउस में मर जाएगा। तभी बियर्डी को एक ऑडियंस से पता चलता है कि वो सिंबल घोस्ट से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए उस रूम को सेफ कहा जाता है, और उस सिंबल को बियर्डी ने खुद ही तोड़ दिया था, जिसे जानकर बियर्डी को बहुत ही गुस्सा आता है और मजबूरी में बियर्डी बाहर निकलने के लिए कॉरिडोर की तरफ जाने लगता है। तभी पॉइंट गर्ल उसे पकड़ लेती है और डर के मारे बियर्डी बेहोश हो जाता है। पॉइंट गर्ल बियर्डी के नाक में उंगली करके उसको जगा देती है और बियर्डी होश में आकर पॉइंट गर्ल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे रहा था, और फिर बियर्डी अपने नाक से पॉइंट गर्ल का नाखून निकाल देता है। फिर वो मेन डोर के पास में आता है, लेकिन उस डोर की चाबी उसी ने फ्लोर के नीचे फेंक दी थी। बियर्डी चाबी ढूंढता है, लेकिन डोर की चाबी की जगह पॉइंट गर्ल के एक बॉक्स की चाबी उसे मिल जाती है। बियर्डी बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें पॉइंट गर्ल की फोटो थी, और उस फोटो से हमें पता चलता है कि वो पॉइंट गर्ल और कोई नहीं बल्कि लिंजी थी। उसी बॉक्स में बियर्डी को पॉइंट गर्ल की एक कटी हुई उंगली भी मिलती है, और बियर्डी को वहां पर एक रस्सी भी मिलती है। अब व्यूअर्स के कहने पर बियर्डी ऊपर के रूम की तरफ जाता है ताकि रस्सियों की मदद से वो विंडो से निकल पाए, लेकिन रास्ते में बियर्डी को बहुत सारे लोग डराने लगते हैं, और तब बियर्डी डरकर उसे सेफ रूम के अलमारी में आ जाता है। अब बियर्डी को एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से ये पता चलता है कि ओइजा बोर्ड गेम खेलकर उसने अपनी सोल पॉइंट गर्ल को देने का प्रॉमिस किया है, और अब पॉइंट गर्ल उसको नहीं छोड़ने वाली थी, और तभी वहां पर पॉइंट गर्ल आकर उसको डरा देती है। बियर्डी रूम से भागकर पास की विंडो से घर के बाहर जंप लगा देता है, लेकिन पैर पर चोट लगने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाता है। बियर्डी कार का नट ढूंढने में लग जाता है और उसको कार के नट मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर एक भूत को देखकर बियर्डी डर के मारे वहां से भाग जाता है, और तभी बियर्डी को एक पुलिस दिखती है। बियर्डी पुलिस को देखकर खुश हो ही रहता है, तभी उसे पता चलता है कि वो पुलिस भी एक घोस्ट है जो कि बियर्डी पर हमला कर देता है। अब किसी तरह बियर्डी कार के अंदर बैठ जाता है, और बियर्डी अपना टेबलेट खोलता है। वहां पर एक ऑडियंस उसको एडवाइस देती है कि उसे एक प्रोटेक्शन बनाना होगा ताकि वो जिंदा बच जाए, लेकिन उसके लिए बियर्डी को पॉइंट गर्ल की कोई भी बॉडी पार्ट चाहिए होगी। अब उसी टाइम उस पुलिस का घोस्ट बियर्डी पर हमला करता है, और बियर्डी एक टॉय गन से पुलिस के घोस्ट को मारता है, लेकिन तब तक बियर्डी का टेबलेट टूट चुका था, और अब वो अपने ऑडियंस के साथ में बातें भी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि अब अकेला पड़ने की वजह से बियर्डी रोने लगता है। तभी बियर्डी को पॉइंट गर्ल की डायरी के बारे में याद आता है, और उस डायरी में बहुत सी पोएम लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक परफेक्ट इंसान ही उन पोएम को पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। बियर्डी फिर एक रिचुअल करके उस पॉइंट गर्ल को मुक्ति दिलाने के बारे में सोचता है, क्योंकि पॉइंट गर्ल को मुक्ति मिलने पर बियर्डी जिंदा बच पाएगा। बियर्डी फिर से घर के अंदर जाता है, और सेफ रूम में जाकर वो अपने लैपटॉप में देखता है कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। बियर्डी फिर रूम के फ्लोर पर कुछ प्रोटेक्शन सिंबल बनाता है, और एक हथियार लेकर वो पॉइंट गर्ल के घोस्ट को बुलाता है, लेकिन पॉइंट गर्ल उसके सामने नहीं आती है। उस तब बियर्डी खुद ही कॉरिडोर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट बियर्डी को दिखते हैं। तभी वो पॉइंट गर्ल को देख के डर जाता है, और बियर्डी फिर से सेफ रूम में छुप जाता है, लेकिन वहां पर बियर्डी पजस्ट हो जाता है। और कुछ ही समय में जब बियर्डी को हो जाता है तो वो एक खून से भरे हुए बाथटब में था। बियर्डी बाथटब से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक घोस्ट उसे निकलने नहीं दे रहा था। तब बियर्डी होली वाटर से भरा हुआ एक इंजेक्शन उस घोस्ट की आंख में मारता है, और तब वो घोस्ट ब्लास्ट हो जाता है, और बियर्डी बाथटब से निकल जाता है। अब अचानक से बियर्डी को पॉइंट गर्ल पकड़ लेती है, तब बियर्डी एक नाइफ से उस पॉइंट गर्ल के सर पर हमला करके सेफ रूम की तरफ आ जाता है, लेकिन वहां पर भी वो पॉइंट गर्ल उसे फॉलो करती है। बियर्डी अब एक चेयर पॉइंट गर्ल के सर पर मारता है, और पॉइंट गर्ल बेहोश हो जाती है। और तब बियर्डी पॉइंट गर्ल की बॉडी को उसी रिचुअल के सिंबल के बीच में ले आता है, और उसे वहां पर बांध देता है। अब बियर्डी डायरी की पोएम्स को पढ़ता है, लेकिन पॉइंट गर्ल को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो बियर्डी पर हमला करती है। बियर्डी पॉइंट गर्ल को धक्का दे देता है, लेकिन जख्मी होने के कारण बियर्डी वहां से भाग नहीं पाता है। तभी बियर्डी को पॉइंट गर्ल की कटी हुई उंगली याद आती है, मतलब कि पॉइंट गर्ल को हेल में भेजने के लिए उसको भी अपनी उंगली काटकर रिचुअल में देना होगी। पॉइंट गर्ल के आने से पहले बियर्डी मंत्र पढ़कर अपनी उंगली काटकर रिचुअल में दे देता है, और पॉइंट गर्ल हेल के अंदर चली जाती है। बियर्डी को ऐसा लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन हेल में पॉइंट गर्ल गई थी, और पॉइंट गर्ल ने जिन घोस्ट को कैद किया था वे सभी घोस्ट अभी भी वहीं पर थे,
और वे सभी गोस्ट बैडली को मार डालते हैं और ये सब बैडली के लाइफ स्ट्रीम पर चल रहा था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि एक टाइम पर बैडली के पास में बहुत ही पॉपुलरिटी थी, लेकिन एक गलती की वजह से फैंस उससे नाराज हो गए और बैडली की पॉपुलरिटी खत्म हो गई। अपनी पॉपुलरिटी के पीछे बैडली इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो ऐसे हॉन्टेड हाउस में घुस गया जहाँ पर आज तक जो कोई भी गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया और इन द एंड बैडली भी मारा जाता है। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैडली को अपनी कोई पॉपुलरिटी लग रही थी और इस पागलपन ने बैडली की जान ले ली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी मूवीज़ पसंद आती है और आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।